नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कायाबुल में। और आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे सोना कॉमस्टार के आईपीओ के बारे में कि इस आईपीओ में आपको पैसा लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, किस तरीके की इस कंपनी की परफॉर्मेंस है, किस तरीके के इसके फाइनेंशियल्स हैं, इन सभी चीज़ों पर इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप देख सकते हैं कि इसका आईपीओ जो ओपन हो रहा है वो हो रहा है 14 जून से लेकर 16 जून के बीच में, और जो इसका प्राइस बैंड होगा वो होगा 285 से लेकर 291 पर इक्विटी शेयर्स का। 5500 करोड़ रुपये के आसपास का फंड कंपनी इस आईपीओ के थ्रू इकट्ठा करेगी, और जो स्टॉक की फेस वैल्यू होगी वो होगी 10 रुपये की। मार्केट लॉट साइज़ होगा 51 शेयर्स का, मतलब इस आईपीओ के थ्रू आपको 51 शेयर्स मिलेंगे। और आप देख सकते हैं ये लिस्टेड होगी एनएससी बीएससी दोनों ही एक्सचेंजेस में। अब देख लेते हैं इससे रिलेटेड बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या है इस आईपीओ से रिलेटेड। तो आप देख सकते हैं आपको अलॉटमेंट जो होगा वो होगा 21 जून को, रिफंड होगा 22 जून को, 23 जून को आपको डीमेट अकाउंट में आ जाएंगे, और 24 को ये आईपीओ लिस्ट हो जाएगा। अब देख लेते हैं इस कंपनी से रिलेटेड बेसिक इन्फॉर्मेशन। आप देख सकते हैं इसके कितने बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं, रेनॉल्ट, निशान, वॉल्वो, अशोक लेलैंड, एस्कॉर्ट्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, और इनका जो प्रोडक्शंस होता है वो 25% एक्सपोर्ट करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोपियन यूनियन जैसी कंट्रीज़ में। इस कंपनी से रिलेटेड अच्छी बात क्या है कि आप देख सकते हैं इनका डाइवर्स प्रोडक्ट पोर्टफोलियो अक्रॉस डिफरेंट एरियाज़, काफ़ी अच्छी इसकी फाइनेंशियल्स हैं, और काफ़ी अच्छी इनकी R&D डिपार्टमेंट है, और 9 असेंबली यूनिट्स हैं इनकी अक्रॉस 4 कंट्रीज़ में, और काफ़ी अच्छा लार्ज रीच ऑफ प्रोडक्ट्स अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स है, और लीडिंग मैन्युफैक्चरर हैं इन द ऑटोमोटिव सेक्टर में। तो ये कंपनी ओवरऑल काफ़ी अच्छा कर रही है अभी तक। अब बात कर लेते हैं इस कंपनी से रिलेटेड हिस्ट्री के बारे में कि कब से ये कंपनी इस सेक्टर में काम कर रही है, किस तरीके की परफॉर्मेंस है। तो आप देख सकते हैं कंपनी स्टार्ट हुई थी 1995 में, जिसमें इन्होंने जॉइंट वेंचर किया था मित्सुबिशी मेटल फॉर्जिंग्स के साथ। तब से कंपनी लगातार इस सेक्टर में काफ़ी अच्छा कर रही है। आप देख सकते हैं कि 1998 में इन्होंने अपना पहला प्लांट लगाया गुड़गांव में, 1999 में चेन्नई में इन्होंने प्लांट लगाया, 2005 में इन्होंने पुणे में प्लांट लगाया, 2008 में इन्होंने टाइसन क्रॉप प्रोसेसिंग को एक्वायर किया, 2013 में इनको कमर्शियल व्हीकल और पैसेंजर व्हीकल के लिए अवार्ड मिला, 2016 में इन्होंने चाइना में प्लांट लगाया, और कई सारे अवार्ड्स इनको ग्लोबल अवार्ड्स लगातार मिलते चले आ रहे हैं। 2017 में इन्होंने फिर से गुड़गांव में प्लांट लगाया और एक प्लांट लगाया मैक्सिको नॉर्थ अमेरिका में। 2018 में इन्होंने फिर से एक लैंड एक्वायर करी चाकन पुणे में, और लगातार उसके बाद इलेक्ट्रिकल व्हीकल के क्षेत्र में इनको कई सारे ग्लोबल अवार्ड्स मिलते चले गए। तो जो लोग EVs को लेके काफ़ी अवेयर रहते हैं, EVs से रिलेटेड कंपनी के बारे में, EVs से रिलेटेड स्टॉक के बारे में, तो ये इस कंपनी उस क्षेत्र में काम करती है, और ये काफ़ी अच्छा स्टॉक, काफ़ी अच्छी कंपनी है। मेरा यहाँ पे मानना है जिस तरीके के मैंने इसके फाइनेंशियल्स देखे हैं, जिस तरीके की चीज़ें इस कंपनी से रिलेटेड मेरे सामने आई हैं, मैंने रीड करी हैं, तो मुझे लगता है कि ये आने वाले टाइम में इलेक्ट्रिकल व्हीकल के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा करने वाली है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके के प्रोडक्ट्स बनाती है, स्टार्टर मोटर्स और अल्टरनेटर्स, हब व्हील मोटर्स, ड्राइव मोटर्स, BSG जो बेल्ट मोटर्स होती हैं, बेल्ट शीट कंट्रोलर्स, सो ऐसे कई सारे प्रोडक्ट्स हैं जो ये बनाते हैं, और आगे आने वाले टाइम पे EVs में वैसे भी काफ़ी डिमांड रहने वाली है। तो आप देख सकते हैं कि इसकी बैलेंस शीट किस तरीके की है अब तक रही है। तो जो इनकी साइट में लेटेस्ट अवेलेबल थी वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि लगातार इनकी जो सेल्स परफॉर्मेंस है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, यहाँ पे बात कर रहा हूँ मैं, काफ़ी अच्छी रही है। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो वहाँ पर हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे थोड़ी सी गिरावट देखने को मिलती है, लेकिन किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आती। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो वहाँ पर हमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती है। अब देख लेते हैं कि बैलेंस कैरिड टू बैलेंस शीट कितना है, तो आप देख सकते हैं कि वहाँ पे भी हमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती है। अब आप देख सकते हैं कि इस कंपनी से रिलेटेड किस तरीके के डेवलपमेंट्स हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि सिंगापुर बेस्ड एक कंपनी है जिसने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है, कंपनी ने अपने बायबैक्स किए हैं और कई तरीके के एक्विजिशंस किए हैं, तो कंपनी लगातार डेवलपमेंट कर रही है। और आप देख सकते हैं कि कंपनी ने डिविडेंड भी दिया था अपने इन्वेस्टर्स को लास्ट टाइम 9 रुपये के आसपास, 9.5 रुपये के आसपास, तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे कर रही है, अपने इन्वेस्टर्स को डिविडेंड भी काफ़ी अच्छा दे रही है। आप देख सकते हैं इस कंपनी से रिलेटेड जो इनकी सब्सिडरीज़ हैं, सोना होल्डिंग्स BV, नीदरलैंड्स, सोना ऑटोकॉम जर्मनी, कई सारी कंट्रीज़ में इनके सब्सिडरीज़ हैं। और आप देख सकते हैं कॉमस्टार ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजीज़ प्राइवेट लिमिटेड, कॉमस्टार ऑटोमोटिव हांगकॉन्ग, कई सारी
सब्सिडरीज इनकी हैं, कई अलग अलग कंट्रीज़ में हैं। सो काफ़ी अच्छा कर रही है ये कंपनी। अब बात करते हैं यहाँ पर इस IPO में क्या करना चाहिए। तो मेरा सजेशन होगा कि इस IPO में डेफिनेटली अप्लाई करना चाहिए, और जिसको भी IPO अलॉट होता है तो उसको लॉन्ग टर्म बेसिस पे अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए, क्योंकि कंपनी में किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स है, काफ़ी अच्छी R&D डिपार्टमेंट है, काफ़ी अच्छा मैनेजमेंट है, और काफ़ी लंबे समय से ऑटो सेक्टर में काम कर रहे हैं और एक लीडिंग प्लेयर है ऑटो एंसिलरीज में। और आगे आने वाले समय में हमें EVs में काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी, काफ़ी अच्छी डिमांड देखने को मिलेगी। सो इस IPO में डेफिनेटली अप्लाई करके चलना चाहिए, और मेरा ऐसा मानना है इस IPO से रिलेटेड जिस तरीके की बातें मार्केट में चल रही हैं, सो लिस्टिंग के समय पे यहाँ पे 50 से 60% का अपसाइड देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर नहीं भी मिलता है तो इस कंपनी को डेफिनेटली अपने पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म बेसिस पे रख सकते हैं, लेकिन IPO में डेफिनेटली अप्लाई करना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए घर पे रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने आसपास लोगों का ख्याल रखिए, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।